भारत का आज तक का सबसे बड़ा बैंक का धोखाधड़ी का मामला, DHFL नाम की एक कंपनी ने 17 भारत के बैंकों को लूटा करीब 34,000 करोड़ रुपए से और भारतीय जनता पार्टी से है। तो भारत का सबसे बड़ा आज तक का बैंकिंग स्कैम और उसकी जड़ें भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई, और ये क्रिमिनल कंस्पिरेसी का पूरा मामला है और इसको CBI ने अपना आज तक का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड किसी बैंक में अगर हुआ है तो मोदी सरकार की नाक के नीचे हुआ है। और 2015 से 2018 तक एक कंपनी लूटती रही भारत सरकार को, एक कंपनी लूटती रही जनता के पैसे को। एक संदिग्ध कंपनी है, एक कंपनी है जिसके खिलाफ केस चल रहा है, एक कंपनी है जिसने भारत का सबसे बड़ा धोखाधड़ी का बैंक फ्रॉड किया है। भारतीय जनता पार्टी उस कंपनी से लगातार डोनेशन ले रही है। तो करीब 28 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी कंपनी से लिए जिसने भारत के बैंकों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला किया, क्योंकि किसी भी तौर से इतना बड़ा बैंक फ्रॉड देश में होता है 34,000 करोड़ का, और वो कंपनी भाजपा की डोनर कंपनी। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी, भाजपा ने इन बैंक धोखेबाजों से लगातार 28 करोड़ रुपए जैसी मोटी राशि डोनेशन में क्यों ली? 14,000 करोड़ का चूना लगाया, 1,800 करोड़ की इंटरेस्ट सब्सिडी ली, 2,60,000 फर्जी होम लोन अकाउंट बना दिए, चाहे वो ABG शिपयार्ड हो 20,000 करोड़ से ऊपर, चाहे वो DHFL हो जो आज 34,000 करोड़ के फ्रॉड की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो नीरव मोदी हो, मेहुल चौकसी हो, विजय माल्या हो, जो बड़ा बड़ा चूना लगाकर इस देश को आपकी नाक के नीचे, आपकी संस्थाओं को गोली देकर इस देश से चले गए। भारत का आज तक का सबसे बड़ा बैंक का धोखाधड़ी का मामला, DHFL नाम की एक कंपनी ने 17 भारत के बैंकों को लूटा करीब 34,000 करोड़ रुपए से। लेकिन खबर उससे बड़ी यह है कि सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले के तार, उसकी जड़ें, उसका संबंध सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से है। और ऐसा वैसा संबंध नहीं है, संबंध गहरा है, जड़ें बहुत पनपी हुई हैं, और इसके बारे में अभी हम 2 मिनट में आपसे बात करेंगे। तो भारत का सबसे बड़ा आज तक का बैंकिंग स्कैम और उसकी जड़ें भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई। आपके व्यूअर्स के लिए और आपकी जानकारी के लिए 2 मिनट में समय रेखा बता देते हैं और उसके बाद आगे की बात करते हैं। 2010 से 2018 के बीच में जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, जो लीड बैंक कंसोर्शियम का है 17 बैंकों का, उसका कहना है कि DHFL ने करीब 42,000 करोड़ का ऋण लिया था और 2019 से डिफॉल्ट शुरू हो गया, वो ये ऋण वापस नहीं पे कर पा रहे थे। उसके बाद जब डिफॉल्ट शुरू हुआ तो एक स्पेशल ऑडिट बिठाया गया, और उस स्पेशल रिव्यू ऑडिट में, जिसमें 2015 से 2019 की अवधि का ऑडिट हुआ, उसमें पाया गया कि DHFL ने बड़े तौर से धोखाधड़ी करी थी, अपनी किताबों में गड़बड़ी करी थी, अपनी अकाउंट्स की लेजर में गड़बड़ी करी थी, उन्होंने राउंड ट्रिपिंग ऑफ फंड्स करी थी और पब्लिक का पैसा लेकर कुछ विशेष कपिल और दिनेश वधावन ने निजी संपत्ति बनाई थी, और ये क्रिमिनल कंस्पिरेसी का पूरा मामला है और इसको CBI ने अपना आज तक का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड किसी बैंक में अगर हुआ है तो मोदी सरकार की नाक के नीचे हुआ है, और उसको उन्होंने रजिस्टर किया। लेकिन इसमें बड़ी खबर यह है कि मार्च 2021 में CBI ने प्रधानमंत्री आवास योजना, जो बड़े जोर शोर से 2015 में लॉन्च करी गई थी, उसमें भी DHFL और उनके प्रमोटर्स को आरोपी करार देते हुए केस दर्ज किया था। एक फिक्टिशियस बांद्रा ब्रांच के नाम से, सिर्फ ऑन पेपर बांद्रा ब्रांच के नाम से एक बैंक खोला गया, जिसमें करीब 2,60,000 ऋण के खाते खोले गए, और उससे इस कंपनी ने पैसा कमाया और पैसा इंटरेस्ट सबवेंशन से भी कमाया गया। लेकिन बड़ी खबर यह है कि यह घोटाला प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के ऑडिट में सामने नहीं आया, ये एक्चुअली यस बैंक का जब फोरेंसिक ऑडिट होने लगा तब सामने आया।
2015 से 2018 तक एक कंपनी लूटती रही भारत सरकार को, एक कंपनी लूटती रही जनता के पैसे को, वो पीएम आवास योजना के ऑडिट में सामने नहीं आया, वो यस बैंक में सामने आया। लेकिन अब सबसे बड़ी सनसनीखेज खबर इस पूरे मामले में और वो है उन जड़ों की बातें, उन तारों की बातें जो हमने पहले कही थी। एक संदिग्ध कंपनी है, एक कंपनी है जिसके खिलाफ केस चल रहा है, एक कंपनी है जिसने भारत का सबसे बड़ा धोखाधड़ी का बैंक फ्रॉड किया है। लेकिन सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी उस कंपनी से लगातार डोनेशन ले रही है, लगातार डोनेशन ले रही है, और उसके दस्तावेज हम आपको देंगे, उसके डिटेल्स हम आपको दिए दे रहे हैं। करीब 28 करोड़ रुपए का डोनेशन भारतीय जनता पार्टी ने DHFL से, उसके प्रमोटर्स से, उसकी संबंधित कंपनियों से लगातार लिया है। RKW डेवलपर्स, जो कि DHFL के मालिकों के स्वामित्व की एक कंपनी है, उससे 10 करोड़ रुपए लिया। फिर वधावन ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड से 10 करोड़ रुपए लिया। फिर वधावन परिवार के नियंत्रण वाले दर्शन डेवलपर्स से 7.5 करोड़ रुपए लिया। तो करीब 28 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी कंपनी से लिए जिसने भारत के बैंकों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला किया, आम जनता के पैसे को लूटा। तो स्वाभाविक है यह सवाल जरूर उठता है कि क्या यह जानबूझकर किया गया, क्या यह क्विड प्रो क्यो था। उनको आपने लाइसेंस दिया, आप धोखाधड़ी करते जाइए और हमें पैसा देते जाइए, क्योंकि किसी भी तौर से इतना बड़ा बैंक फ्रॉड देश में होता है 34,000 करोड़ का, और वो कंपनी भाजपा की डोनर कंपनी है, वो भाजपा को लगातार पैसे दे रही है पिछले 7-8 साल से, ये बात थोड़ी हजम होने में मुश्किल है। इसीलिए हमारे कुछ ज्वलंत प्रश्न हैं जिनको हम आपके माध्यम से इस सोती हुई सरकार के सामने, रेगुलेटर्स के सामने जरूर उठाना चाहते हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी, भाजपा ने इन बैंक धोखेबाजों से लगातार 28 करोड़ रुपए जैसी मोटी राशि डोनेशन में क्यों ली, यह पहला सवाल है। क्या यह एक राशि रिश्वत थी इन लोगों को धोखाधड़ी उन्मुक्त करने देने के लिए, यह दूसरा सवाल है। यह स्पष्ट है कि प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में मात्र एक कंपनी ने 14,000 करोड़ का चूना लगाया, 1,800 करोड़ की इंटरेस्ट सब्सिडी ली, 2,60,000 फर्जी होम लोन अकाउंट बना दिए। अगर प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में एक कंपनी अकेले ऐसा कर रही है, तो क्या प्राइम मिनिस्टर आवास योजना का ऑडिट हुआ कि ऐसी कोई अन्य कंपनियां इस तरह की जालसाजी ना कर रही हो? और अगर ऑडिट हुआ है तो उसके दस्तावेज, उसका रिजल्ट सामने आना चाहिए। और एक बहुत बड़ा इससे जुड़ा हुआ प्रश्न यह है कि DHFL का, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना का जो स्कैम है, वो यस बैंक के फोरेंसिक ऑडिट के दौरान सामने आया, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के ऑडिट के दौरान सामने नहीं आया, जबकि 3 साल तक लगातार वो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के नाम पर धोखाधड़ी करते रहे। तो सवाल ये जरूर होगा कि प्राइम मिनिस्टर आवास योजना का ऑडिट क्यों नहीं हुआ, उसके द्वारा पता क्यों नहीं चला। जो FIR रजिस्टर करी है CBI ने, उसमें क्लियरली कहा गया है कि DHFL ने मात्र कागज पर एक बैंड्रा ब्रांच के नाम से शाखा खोली। तो सवाल यह भी उठता है कि बैंकिंग रेगुलेटर RBI, मार्केट रेगुलेटर SEBI, हाउसिंग रेगुलेटर NHB, नेशनल हाउसिंग बोर्ड, ये सारी एजेंसियां क्या कर रही थी, इनकी भूमिका पर सवाल जरूर उठता है। क्या न्यू इंडिया में एजेंसियां बिल्कुल अनजान बनी रहेंगी, अनभिज्ञ रहेंगी? और दो अंत में सवाल है जो आपके सामने बोलने जरूरी है। बैंक धोखाधड़ी को नियंत्रित करने के लिए सरकार क्या कर रही है? यह सच है कि NPA के खिलाफ एक बड़ी मुहिम UPA सरकार ने चलाई थी, तत्कालीन RBI गवर्नर रघुराम राजन ने चलाई थी, क्रोनी कैपिटलिस्ट के चलते उनको उनके पद से हटने के लिए मजबूर करना पड़ा। आपने बैंक ऋण को नियंत्रण करने के लिए, दोषियों को सजा देने के लिए क्या मुहिम चलाई है? आपकी नाक के नीचे हिंदुस्तान के सबसे बड़े बैंक फ्रॉड हो रहे हैं, चाहे वो ABG शिपयार्ड हो 20,000 करोड़ से ऊपर, चाहे वो DHFL हो
जो आज 34,000 करोड़ के फ्रॉड की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो नीरव मोदी हो, मेहुल चौकसी हो, विजय माल्या हो, जो बड़ा बड़ा चूना लगाकर इस देश को आपकी नाक के नीचे, आपकी संस्थाओं को गोली देकर इस देश से चले गए, उनके बारे में आपका क्या एक्शन है, क्या क्रियान्वयन है? और अंत में, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि SBI जो बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसने तत्कालीन रिलायंस कम्युनिकेशन, जो अनिल अंबानी जी के अधीन कंपनी थी, उसके खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत करी है। आज तक CBI ने इस पर FIR दर्ज करके केस संज्ञान में क्यों नहीं लिया है? क्योंकि एक दूसरा फ्रॉड बन रहा है। तो सवाल बहुत ज्यादा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्वलंत सवाल यही है कि भाजपा ने एक ऐसी संदिग्ध कंपनी से, जिसने हिंदुस्तान के आवाम के खिलाफ, हिंदुस्तान के बैंकों में 34,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया, मोदी सरकार के तत्वाधान में, उनकी नाक के नीचे, उससे इतनी मोटी रकम डोनेशन की क्यों ली गई, और क्या यह रिश्वत है उनको इस तरह का फ्रॉड करने देने की? DHFL के खिलाफ मामला 2018 से ही चल रहा है। 2018 में ये बात लाइट में आ गई थी कि वो अपने पेमेंट्स पे डिफॉल्ट कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के बाद इसको संज्ञान में भी लिया गया था और उनके खिलाफ मामला चल रहा था। अगर एक कंपनी के खिलाफ बैंक फ्रॉड का मामला चल रहा है, तो क्या राजनीतिक नैतिकता ये कहती है कि आप उस कंपनी से डोनेशन लीजिए? उसके बारे में फाइनेंस मिनिस्ट्री को पता है, उसके बारे में कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री को पता है, उसके बारे में IBC को पता था, NCLT को पता था, DHFL बिका, उसको पीरामल्स ने खरीदा, ये सारी पब्लिक डोमेन में नॉलेज है, और उसके बाद भी आप एक ऐसी कंपनी, ऐसे प्रमोटर्स, ऐसी एसोसिएटेड कंपनी से लगातार डोनेशन ले रहे हैं, तो या तो आपकी पैसे की हविश बहुत ज्यादा है और आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि पैसा कहां से आ रहा है, ऑल दैट यू अंडरस्टैंड इज द कलर ऑफ मनी, इररिस्पेक्टिव फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग, इट कुड बी कमिंग फ्रॉम फ्रॉडस्टर्स टुडे, इट कुड बी कमिंग फ्रॉम एंटी नेशनल एलिमेंट्स टुडे, इट कुड बी कमिंग फ्रॉम टेरर फंडिंग टुमारो, तो आप तो सिर्फ पैसा लेना जानते हैं, या, और मुझे ऐसा लगता है कि यह सवाल जरूर उठना चाहिए कि क्या यह वो रिश्वत थी जिसने अलाउ किया, जिसने हौसला दिया वधावंस को यह करने का जो वो कर गुजरे? सबसे बड़ा देश का बैंकिंग फ्रॉड 34,000 करोड़ रुपए करना कोई आसान बात नहीं होती है, और अगर ऐसा हुआ तो बिना सरकार के संरक्षण के, और ऐसी सरकार के संरक्षण के जिसकी पार्टी ने लगातार यह मामला उभरने के बाद भी डोनेशन एक्सेप्ट करी, यह अपने आप में सवाल उठाता है। मुझे नहीं लगता भारत की 1.25 करोड़ जनता की पसंद है मोदी जी, चाहे वो CAA हो, चाहे वो फार्मर प्रोटेस्ट हो, चाहे वो नौजवानों का अभी का आंदोलन हो जो तथाकथित अग्निपथ पे लोगों ने सड़कों पे उतर के किया, मुझे नहीं लगता कि ये एक चिट दे देना या ये बैठकर कह देना कि उनकी पसंद है। नहीं, ये पसंद की बात नहीं होती है, एक फ्रॉड है और फ्रॉड के बारे में सवाल उठने चाहिए, और इंडिपेंडेंट और रिस्पॉन्सिबल मीडिया से हम चाहते हैं कि ये बातें डिस्कशन में आए, हम चाहते हैं ये नैरेटिव बने। ये सवाल उठने इसलिए जरूरी है क्योंकि ये किसी के घर का पैसा नहीं है जो बैंक फ्रॉड 34,000 करोड़ का हुआ है, ये भारत की जनता का पैसा है, और भारत की जनता के पैसे के साथ खिलवाड़ करना किसी को भी इस बात की अनुमति नहीं है। और सरकार की नाक के नीचे इतना बड़ा फ्रॉड हुआ और उस कंपनी से सरकार लगातार डोनेशन देती रही, मुझे लगता है कि आज राजनीतिक नैतिकता पर बहुत सवाल भी उठेंगे, और आज सवाल शायद बहुत सारे फाइनेंशियल इरेग्युलरिटी पर भी उठेंगे। आपके माध्यम से इस मुद्दे को उठाने का आशय ही यह है कि चाहे ये एजेंसीज हो जिनका आपने नाम लिया, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं या जो रेगुलेटर्स हैं, मैंने बार बार रेगुलेटर्स से भी आह्वान किया कि आपकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि हिंदुस्तान की जनता के पैसे के साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो जाता है और आप अनभिज्ञ रहते हैं, ये अपने आप में गड़बड़ बात है। आज इलेक्शन कमीशन से मेरा आह्वान है कि ऐसे बड़े फ्रॉडस्टर्स का डोनेशन कैसे पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट कर सकती है, और सत्तारूढ़ दल इसको कैसे एक्सेप्ट कर रहा है? क्या पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर कुछ अंकुश नहीं है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो क्या उनके ऊपर कोई अंकुश ही नहीं है कि आप किसका पैसा, कल को आप टेरर फंडिंग का पैसा भी ले लीजिएगा क्या? क्योंकि आपको तो पैसे के रंग से मतलब है। तो मुझे ऐसा लगता है आपके माध्यम से हमारा आह्वान सारी एजेंसीज को है, रेगुलेटर्स को है, और खासतौर से चुनाव आयोग को है, क्योंकि ये डोनेशंस आई हैं और इसके दस्तावेज हैं जो प्रूफ करते हैं कि आई हैं, जरूर इस बारे में
सवाल उठना चाहिए कि आखिर किसका पैसा लेने को और कहां तक आप मजबूर हैं। और इस तरह की बयानबाजी, इस तरह का दौड़ दौड़ कर इंटरव्यू देना इस देश के गृह मंत्री को शोभा नहीं देता है। दुख होता है देखकर कि जिस चेयर पर, जिस कुर्सी को, जिस पद पर कभी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, आज अमित शाह जी हैं। और इसलिए दुख होता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को पॉलिटिसाइज करना, उनके जजमेंट से पॉलिटिकल माइलेज और गलत पॉलिटिकल माइलेज निकालना किसी के लिए भी गलत काम है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के गवर्नमेंट को, गुजरात के चीफ मिनिस्टर को कोई भी क्लीन चिट नहीं दी है। इसका तुसी ग्रेट हो, जैसा कि हमारे सीनियर काउंसिल, जैसा कि अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा, उन्होंने कोई तुसी ग्रेट हो नहीं कहा है। उन्होंने एसआईटी की प्रोब को अपहोल्ड किया है, लेकिन उसमें अपने आप ये जो पॉलिटिकल जुमलाबाजी हो रही है, इससे पॉलिटिकल माइलेज निकालना गलत है। भक्त ये कर रहे थे, ट्रोल ये कर रहे थे, लेकिन इस देश के गृहमंत्री को ये करते देखकर मुझे विशेष दुख होता है। लेकिन हाँ, अपने आप में कुछ बातें जरूर उठेंगी। सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट आया है, एसआईटी को उन्होंने अपहोल्ड किया है, क्या ये सवाल नहीं उठने चाहिए कि कितने विटनेसेस इस एसआईटी के सामने टर्न हो गए? क्या ये सवाल नहीं उठना चाहिए कि कितने विटनेसेस मिसिंग चले गए? क्या ये सवाल नहीं उठना चाहिए कि एसआईटी ने किस चीज को एविडेंस में लिया, किसको नहीं लिया? क्या ये सवाल नहीं उठना चाहिए कि उस समय के प्रधानमंत्री अटल जी ने राजधर्म की याद आखिर देश के आज के प्रधानमंत्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री को क्यों दिलाई थी? वो किस राजधर्म की बात कर रहे थे? वो राजधर्म क्या था? क्या इन सवालों का जवाब भी गृहमंत्री अमित शाह दे सकते हैं, या अटल जी तब गलत थे और आज वो सही हैं? मुझे लगता है कि उस समय मोदी जी किस तरह से अलग थलग पड़े हुए थे अपनी पार्टी में, उनकी कंपनी में उनके साथ दिखना भी भाजपाइयों को पसंद नहीं था। यह सच था कि उस समय की तत्कालीन जो सेंट्रल की सरकार थी, वो मोदी जी को बर्खास्त करना चाहती थी, और वो सब पता है कि अटल जी का और अडवाणी जी का क्या द्वंद था उसमें, और कैसे राजधर्म की याद दिलाई गई। तो इस बारे में तीखा टिप्पणी करने से बेहतर है कि उस समय की राजनीति को एक बार फिर उसके पन्ने पलटे जाए और पढ़ा जाए। और एक चीज जरूर याद रखिएगा, मोदी जी को के ऊपर कौन से आक्षेप लगे थे वो अलग बात है कि एसआईटी ने उनको क्लीन चिट दे दी, लेकिन किस तरह के आक्षेप लगे थे उस पर, और आज एजेंसियों को जिस तरह से मजबूर किया जा रहा है, एजेंसियों को जिस तरह से भाजपा का फ्रंटल बनाया जा रहा है, इन दोनों चीजों का कंपैरिजन नहीं है। इंग्लिश में एक लाइन होती है, वी कैन नॉट कंपेयर एप्पल्स टू ऑरेंजेस, दैट्स व्हाट अमित शाह इज ट्राइंग टू डू एज फार एज रिपीटिंग दिस सेंटेंस।